नमस्कार दोस्तों, अगर पहली बार हम आप हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप है कर्मचारी ऑल इंडिया महकमा, उसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे केंद्र के 10 लाख का नियमित कर्मचारियों के को समान कम समान वेतन। यहाँ पे देखिए, नई दिल्ली केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 10 लाख अनियमित कैजुअल जो कर्मचारियों के लिए अच्छी दिवाली का प्रबंध कर दिया है। कैजुअल कर्मचारी को अब नियमित कर्मचारी के बराबर वेतन मिलेगा। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब सभी अनियमित कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने पर उसी पद पर काम करने वाले नियमित कर्मचारी के समान वेतन मान के न्यूनतम मूल वेतन व महंगाई भत्ते के बराबर भुगतान होगा। वे जितने दिन काम करेंगे उन्हें उतने दिनों का भुगतान होगा। हालांकि आदेश के अनुसार उन्हें नियमित रोजगार पाने का हक नहीं होगा। सभी मंत्रालय विभागों को भेजा यह संदेश समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। आदेश में स्पष्ट है कि किसी अनियमित कर्मचारी का काम नियमित कर्मचारी के काम से अलग है तो उसे निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। अब भी संघ भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष वैजनाथ का राय का कहना है कि ऐसे आदेश पहले भी जारी हुए हैं पर लागू नहीं किए जाते, क्योंकि ग्रुप सी डी की नौकरियां आउटसोर्स है। ऐसे में आदेश को लागू कर पाना बड़ा बड़ी चुनौती है। सीटू नेता तपन राय ने कहा कि आदेश श्रम मंत्रालय जारी करता है तो सब पर लागू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, कार्मिक का प्रशिक्षण विभाग आदेश, दोगुनी होगी आमदनी। आमदनी जो यहाँ पे दोगुनी होगी, देखिए श्रमिकों के लिए 14,000 रुपये महीने का वेतन तय किया गया, लेकिन आदेश के बाद उन्हें ग्रुप डी में वेतनमान के न्यूनतम यानी 30,000 रुपये महीने की दर से भुगतान देना होगा। तो दोस्तों देखिए, घोषणाएं होती रही है तो पत्र जारी होते हैं लेकिन लागू नहीं होता कोई भी नहीं। तो फटाफट वीडियो को इतना वायरल कर दो कि हर किसी के कर्म नेता के ये संज्ञान में आए, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कि देखे और वो अपनी सरकार का जो रवैया है उसको तेज करे, कि जो कानून अगर बनाए जाते हैं उनको अपनाए भी सरकार। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें।